हमने ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति, और एक साल तक हम सबको जोड़ने का, गांव गांव में आप सब लोग जो आए हैं वो नीचे से जोड़ने का आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हमको पूरे देश को जोड़ना, और सब लोगों को हम अपील करना चाहेंगे। ऐसा कौन सा, हम लोग जो बटे हैं वो धर्म के नाम पर बटे, तो ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा भगवान जो 5 साल की बच्ची को, बच्ची पर बलात्कार करने की इजाजत देता, ऐसा कौन सा फिलोसोफर है, प्रोफेट है, दर्शन शास्त्री, ऐसा दर्शन जो दर्शन 1.5 साल को बच्चे, 1.5 साल के बच्चे को नक्सलाइट घोषित करने के लिए अनुमोदन देता, ऐसा कौन सा दर्शन। और इसलिए ये चुनौती आप लोगों के प्यार की वजह से, मैंने कहा वैसा, इतने 24 साल तक आप लोग हम लोगों को प्यार देते रहे, कुछ भी मांगा नहीं, सहा ही आप लोगों ने दिया ही है, ये देने की जो प्रक्रिया है वो देने के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छा एक विशाल आप लोगों ने पेश की है, एक नए किस्म का नेतृत्व खड़ा हो रहा है, इसका आनंद भी है, और वो आनंद व्यक्त करते हुए मैं मेरे शब्द यहाँ पूर्ण करता हूँ, विराम देता हूँ। राजस्थान से जिसे पवित्र भूमि उसको बोलते हैं, राणा पूजा की ये धरती है, हल्दी भाई की ये धरती है, और यहाँ बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, अपने लोगों ने बहुत सारे युद्ध भी किए हैं, उनकी ऐसी जो क्रांतिकारी भूमि है, इस भूमि से लेकर लालीबाई कलुसवा से, यहाँ से रास्तापाल गांव से ये यात्रा की शुरुआत की थी, कुछ नहीं करने का जो सबसे बड़ा काम किया था ये यही महिलाएं हैं। मैं गुजरात से आया हूँ, और आदिवासी संस्कृति, आदिवासी पहचान, आदिवासी संगीत, आदिवासी गीत, आदिवासी नाच गाने और संस्कृति सब कुछ बचे, इसलिए मैं लोगों के सामने नाचता रहा, गाता रहा, खुश सुनाता रहा। अगर आदिवासी संस्कृति जो डर गया, वो सब जो मर गया। जा भावे चाया मरो नावे आदिवासी ने पुर्यारे, पड़ता है तो जो कुछ महिला एवं बाल सम्मान यात्रा में उनके जो कुछ अनुभव रहे हैं इसके बारे में वो वक्तव्य रखेंगे। यह मोगी माता को नमन करते हुए मैं जो 23 अक्टूबर 2016 से जो यात्रा निकाली गई उसके कुछ अनुभव आप मेरे भाई बहनों से शेयर करना चाहूंगी। काली भाई 12 साल की थी जब शहीद हुई थी, ये लड़की भी 12 साल की है, तो समाज ये मोक्षा चौधरी के लिए जोरदार तालियां बजाए ऐसी मैं आशा करूंगी। महिला एवं बाल सम्मान यात्रा का हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा समाज जो कि समानता असमानता नहीं समझता, सम्मान अपमान नहीं समझता,
वो समाज को क्या जरूरत पड़ी ये महिला एवं बाल सम्मान यात्रा निकालने की? जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? संसार में जो देश और दुनिया में हो रहे अन्याय और अत्याचार को देख आदिवासी समाज कभी चुप नहीं बैठने वाला। हमारे संस्कार, हमारे खून का संस्कार हमारे लोगों में था। संसार के सभी महिलाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए समाज को पुकार रहा है तो कुसुमताई का दायित्व बनता है। आगे आए और हमारे समाज के संस्कृति के इतिहास को समाज के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे। पूरे 3 महीने हम लोग यात्रा घूमे हैं। मुझे लगता है 85वां दिवस है, दिन है ये 85। पूरे देश और दुनिया में हम लोग हमारे एरिया में घूमे। हम लोग हमारे एरिया में क्यों घूमे? हम आदिवासी बहुल एरिया में क्यों घूमे? इसका ये मतलब था, इसका ये अर्थ था कि हम लोग पहले हमारे ही बहनों और भाइयों के पास में जाएंगे, पूरे संसार की वेदना बताएंगे, संसार में क्या हो रहा है। और हम आदिवासी मूल बीज है, हम आदिवासी वृक्ष की तरह है। तो आप संगला भाई वल्वी, सबको आपकी जय। आज के 24वें महासम्मेलन के अध्यक्ष और हमारे बुजुर्ग साथी और सम्मेलन में पधारे भाइयों और बहनों, जगन भाई ने कुछ बातें हम जैसे लोगों को भाषण नहीं करना चाहिए, इतना सब कुछ इनके गीतों में इन्होंने भर दिया। कभी कभी बात बताता हूँ, यहाँ डॉक्टर लोग बहुत जमा है। एक जमा में डाकन थी, ये डाकन कोटला है ना, ये डाकन कोटला शब्द जो पड़ा है ना, शायद यहाँ डाकन को ला के अंदर को छुआरा होगा उसमें रखते होंगे, इसलिए डाकन कोटला कहा गया मेरे समझ से। तो डाकन नहीं थी, मैं एक बार डॉक्टरों की मीटिंग में बोल रहा था कि डाकन थी, ऐसा डॉक्टर बोले यार इतना बीकॉम तक पढ़ा लिखा आदमी और अभी भी ये 21वीं सदी में डाकन है ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला है और थी ऐसा बोला तो कैसे, सबूत करो ऐसा बोला। तो मैंने बोला जब आप लोग नहीं थे, डॉक्टर लोग नहीं थे तब की बात। कोई आदमी के पेट में गांठ बन जाती थी तो वो आदमी मर जाता था, तो हमारे लोग क्या कहते थे, बिल्कुल बेचारा ठगा गया था, बिल्कुल जो माँ भी बोलती है बच्चा बिल्कुल ठगा गया था, किसी ने खा लिया इसलिए। जो भी आता है उसको बताते हैं। बस यही बात, मैयत के 15 दिन तक कोई भी सगे वाला आए उसको यही बात बताने की, उसको भी संतोष और इसको भी संतोष, दोनों में समाधान। अब डाकिन नहीं है, अब डाकिन इसलिए नहीं है कि अभी एक्सरे निकला है, सीटी स्कैन निकला है, सीधा अंदर गांठ है उसको पकड़ लेते हैं अंदर गांठ है। अगर आदमी मर जाता है तो कहते गांठ से मर गया था, तो माँ भी बोलती गांठ से मर गया था मेरा बच्चा, डाकिन से नहीं। कानून हमारी सुरक्षा कतई कर सकती नहीं, ये हम लोगों ने आज तक देख लिया है, इसलिए कानून का भी भरोसा करें ऐसी स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी बात भाइयों, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, आप चाहे चांद पे जाओ, चाहे आप हेलीकॉप्टर लो, मेरे जैसे सर पे इतनी 55 पगड़ियां बांधो तो भी, और बैंक में कितना 1000 का रखो या 500 का रखो, सरकार 20,000 की भी बनाएगी, 50,000 की भी बनाएगी, सब चीजें भर भर के तिजोरी में कितना भी रखो, मरोगे ना जाओगे ना तो ये पगड़ी भी धोती भी ले लेने वाले हैं। दोस्तों स्वार्थ और परमार्थ दो चीजें हैं दुनिया में। अगर हम धर्म की बात करें उसमें परमार्थ आता है, स्वार्थ नहीं आता है। तो स्वार्थ जो है दुनिया वालों को समझ जाने का है कि स्वार्थ का भी हद होता है। आप कहां भी जाएंगे आपके पाप साफ होने वाले नहीं है,
तो दोस्तों समय बहुत कम है, लंबी बातें लंबी हम लोग करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें, और यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और बाकी के साथी भी हैं, तो ये बैठे हुए बाकी के बोलने वाले लोगों पे मैं अत्याचार नहीं करूँगा और दमन भी नहीं करूँगा, शोषण भी नहीं करूँगा, इतना कह के मेरे दो शब्द पूरे करता हूँ सबको आप कीजिए। मुझे डॉक्टर परारकर ने विषय दिया है आदिवासी जीवन मूल्य। आदिवासी जीवन मूल्य अस्तित्व और प्रकृति का अस्तित्व, हम बोलते हैं जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन के जो मूल्य होता है वो समता मूलक होता है, समता पर आधारित होता है, स्वातंत्र्य के आधार पर होता है। वो जो जीवन व्यवहार है वो समता बंधुत्व और प्रेम विश्वास के आधार पर होता है। वो जीवन मूल्य हम अपने जीवन में अभी बनाए रखे हैं क्या? खुद को सोचो, हम आदिवासी है कहते, हम हर कोई कहता है कि मैं मूल निवासी हूं। अरे मूल निवासी है तू, तेरा मूल मूलिया होती है ना झाड़ पेड़ की, तुम्हारा मूल पानी में है कि खून में है ये देख। हमारा जो जीवन मूल्य है वो क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। तुम आदिवासी क्यों है कि हमारे पास में सर्टिफिकेट है? अरे वो सर्टिफिकेट किन मूल्य के आधार पर तुम्हें मिला है? जो पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, उनको सवाल है मेरा, वो किन मूल्य के आधार पर, किन बिंदु के आधार पर तुमको सर्टिफिकेट मिला है? तो वो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो तुम्हारी संस्कृति के आधार पर मिलता है। तुम्हारी देव देवता कौन सी है इसका आधार होता है। तुम्हारी बोली भाषा वेशभूषा क्या है इसके आधार पर होता है। तो ये जीवन है, वो जीवन तुमने संभाल के रखा क्या? और तुम खुद को कहते मैं आदिवासी हूं और मूल निवासी हूं, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम देखो, तुम्हारा व्यवहार देखो, उसमें से हमारा जीवन कितना बचा के रखा है ये देखना चाहिए। राजा पांटा, गाड़ा ठाकुर, रानी काजल, भूरो देव, ऐसे कितने ऐसे देव है नहीं मालूम अपने लोगों को। अगर आदिवासी है तो राजा पांटा पूजेगा, रानी काजल पूजेगा, किरण देव पूजेगा, जो आदिवासी है तो। अगर नहीं है तो दूसरा पूजेगा। तो वनवासी अगर हो गया तो उसको जो वनवासी बनाने वाले हैं उनके देव पूजना पड़ेगा, उनकी उनकी तरह शादी करना पड़ेगा, उनकी तरह मेहमानों का आदर सत्कार करना पड़ेगा। इस तरह से वनवासी करके सिर्फ वनवासी नाम का फेर बदल नहीं है, बदल देना इतना नहीं है, जीवन पट ही बदल जाता है। इसलिए वो वनवासी करण के विरुद्ध में भी हम बोलना चाहिए। आदिवासी में कोई मर जाता है पूरा गांव उस दुख में डूब जाता है, वो घर का आंगन नहीं झाड़ता है, पानी नहीं भरता है, चूल नहीं सुलगाता है, पूरा गांव उसमें डूब जाता है। यह हमारी परंपरा है। हमने नारा क्या दिया, एक तीर एक कमान, इधर से आवाज आ रही थी सब आदिवासी एक सभा, गलत है ये नारा, सब आदिवासी नहीं, महिला पुरुष एक समान, महिला पुरुष एक समान, सब आदिवासी में ढक जाता है। तो फिर महिला पुरुष एक समान है तो जीवन भी अधिकार भी एक समान होना चाहिए। गांव में जो पंच बैठते हैं वहां पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया, क्यों? उसको अक्कल नहीं होती क्या? उसको भी अक्कल होती है। अगर अक्कल नहीं होती देश की पंतप्रधान इंदिरा गांधी नहीं होती, महिला को अगर अक्कल नहीं होती देश की
राष्ट्रपति प्रतिभाशाली नहीं होती, तो इस तरह से बहुत से जीवन मूल्य के तरफ नजरिया होती है उसकी तरफ देखना चाहिए। यहाँ पर बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे दो शब्द ये खत्म करता हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय चुनीलाल जी गरासिया साहब, हमारे राजस्थान सरकार के दो बार मंत्री रह चुके हैं। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, शिक्षा के स्तर पर, हमारी संस्कृति के स्तर पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम सब और हमारे आने वाली पीढ़ी को तैयार करके हम देश नहीं दुनिया में, क्योंकि हमें पहल हमको करना है, हमारी आदिवासी विकास परिषद की जो संविधान बनाया है उस संविधान के हिसाब से और जिस तरह से ऊपर ये हमारा पृथ्वी को हमारा मानक मान करके हमको इस दुनिया को दुनिया का नेतृत्व करना है, ऐसी परिस्थिति में हमको सब क्षेत्र में अपने आप को पूर्ण करके, चाहे शिक्षा का हो, चाहे ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, आर्थिक क्षेत्र में हर तरह हम परिपूर्ण होंगे। इसी ताकत के साथ हमको यहाँ से जा करके अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। महेश भाई वसावा एक्स एमएलए डेडियापाड़ा और तो बीटीएस के मुखिया हैं। महेश भाई वसावा तुम देखो जो चार राज्य की बात करता हूं चाहे देश की, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब आदिवासी बिना शिक्षा के लिए आज तड़प रहे हैं। और ये ट्राइबल एरिया के अंदर आदिवासी के एरिया इंडियन बाहर से आए हुए ब्राह्मणवादी लोग हैं। मैं स्टेज पे से कहता हूं मैं किसी दीन आदिवासी से कभी डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरे छोटू भाई वसावा 21 साल से एमएलए है, चाहे वो ब्राह्मण हो कोई पर हो, अगर आदिवासियों पे अत्याचार करेगा, इनकी जमीन लूटेगा, इस विस्तार का खनिज लूटेगा, ये हम होने नहीं देंगे। ये मेरे युवा लोग अभी आएंगे, क्योंकि ट्राइबल के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, देश का शासन अभी तक बिन आदिवासियों के ब्राह्मणवादियों के पास है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे कोई राज्य का हो, आज तक कभी कोई किसी ने आदिवासी मंत्री आदिवासी जो मुख्यमंत्री बनाए नहीं है। गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 करोड़ से भी ऊपर आदिवासी लोग बसते हैं एक साथ में, फिर ये 4 राज्यों के अंदर देश का बंटवारा कर दिया है आदिवासी लोगों का, ये नहीं होना मांगता है। इसलिए कहीं आवाज उठी है कि बिल प्रदेश की मांग पर की जा रही है। इधर हमने बलिस्तान टाइगर सेना बनाया है 4 राज्य का, और हम नौजवानों को जुड़ना चाहते हैं कि आदिवासी विस्तार के अंदर जो बिन आदिवासी के लिए, जो बिन आदिवासी हमारे अत्याचार कर रहे हैं, हमारी माँ बेटियों पर बलात्कार कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, नर्मदा डैम उकाई डैम का पानी छीना जा रहा है, हम बोलते हैं आप सौराष्ट्र में पानी ले गए तो उमर गांव से अंबाजी तक ये विस्तार के अंदर भी पानी आना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन अभी बिना पानी की तरसी है। अगर पानी जो आ गया तो हमारा समाज ऊपर आ जाएगा। खास आदिवासी समाज के लिए शिक्षा की जरूरत है, ये समाज अपना पिछड़ा हुआ है, आदि अनादि काल से बसने वाला आदिवासी समाज आज मालिक था, लेकिन इनको मजदूर बना दिया है, सरकारों ने मजदूर बना दिया है। डैम बड़े बड़े बनाए हैं, पानी बिन आदिवासी को मिलता है, फैक्ट्रियों को मिलता है। देखो आदिवासी विस्तार के अंदर पूरा राजस्थान के अंदर खनिज ट्राइबल एरिया में निकल रहा है, ग्रेनाइट, मार्बल किसकी संपत्ति है, यहाँ की आदिवासियों की संपत्ति है। मध्य प्रदेश के अंदर इतना पानी,
गुजरात के अंदर इतना पानी, पत्थर, रेती, कोयला सब ट्राइबल के अंदर से निकल रहा है। बिल्डिंगें किसकी बन रही है, रोड किसका बन रहा है, सब शहरों के अंदर बन रहा है। यहाँ कुछ होता नहीं आदिवासी विस्तार के अंदर। आदिवासियों को अभी तक खत्म करने का धंधा बंद कर रहे हैं। वनवासी शब्द बना के मतलब बाहर से आए हुए लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं और आदिवासियों को विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो समाज को बचाने के लिए हमने बिलिस्तान टाइगर सेनापन बनाया है और पूरा चार राज्य के अंदर हम बहुत बड़े आंदोलन करने वाले लोग हैं और आदिवासी के अंदर शिक्षा, आर्थिक सब पानी के लिए हम लड़ेंगे। तो मित्रों, और दूसरा राजस्थान के अंदर अभी आपने पूंजा भील लड़े थे, पूंजा भील समाज के लिए महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। तो उदयपुर के अंदर जो रेती चौक है इसके अंदर पूजा भील का स्टेच्यू होना चाहिए। मित्रों, तो आदिवासी समाज को जो अवगणना की गई है वो चलेगा नहीं। अभी हम आदिवासी इकट्ठे हो जाएंगे, चार राज्य का भी आदिवासी, 4 करोड़ आदिवासी लोग हैं। अगर जिस दिन हम हमारा रोड पे निकल जाएंगे तो बिन आदिवासी लोगों को विश्व विस्तार से खदेड़ देंगे। हम आमंत्रित करता हूं आदरणीय महेंद्र जी सिंह जी मालवीय विधायक बागीदोरा। डूंगरपुर में पहला कार्यक्रम मैंने अटेंड किया था आज से 20-22 साल पहले और तब से लगाकर अब तक लगातार आदिवासी एकता परिषद के इस सम्मेलन में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। देश बहुत बड़ा है, समाज बिखरा हुआ है, समाज गरीब भी है, समाज शिक्षित भी है, लेकिन वो गरीब समाज, शिक्षित समाज, अशिक्षित समाज, देश के कोने कोने का समाज, जिस तरह से एक बगीचे के अंदर कई प्रकार के फूल होते हैं, उन फूलों को अगर धागे में पुरा दिया जाता है तो वो माला बन जाती है और माला भगवान के गले में चली जाती है। ऐसा हमारा देश का आज प्रत्येक समाज का व्यक्ति यहां पे एकत्रित हुआ है। आदिवासी का मतलब है आदिकाल से इस जमीन में रहने वाला। जब आदिकाल से हम जमीन के मालिक हैं तो हमारी आदिकाल की जो जिम्मेदारी है, आदिकाल का जो अधिकार है, इसको हम समाप्त क्यों कर रहे हैं? यह संस्कृति, यह आदिवासी समाज का जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है और इसको कायम रखोगे तो भी हमारी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। यह बात मैं अवसर पर कह रहा हूं। क्या आज के दिन क्या हम इस सदन के माध्यम से, इस महासभा के माध्यम से क्या हम संकल्प नहीं ले सकते? जब तोतरवा संविधान संशोधन होके पंचायती राज के अंदर हमको आरक्षण मिल सकता है तो सर्विस के अंदर हम फिर संविधान को संशोधन करके पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं ले सकते हैं? 15 दिन पहले सुकड़िया विश्वविद्यालय में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह हो रहा था। उस सम्मान समारोह में बड़े बड़े हमारे नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी भी आए हुए थे। मैंने उनसे यह कहा कि भाई ये पीछे सभी समाज के लिए, सभी भाइयों के लिए खाना बना है, इस खाने को कोई तो परोस रहा है ने, और मध्य प्रदेश का परोस रहा है और रतलाम का परोस रहा है, और रतलाम की जनता अगर खाने जाती है तो 2 कुर्सी ज्यादा लपसी मिल जाती है। इसको कहते हैं हर दिया। जब तक हमारे समाज के अंदर सही मायने में हर दिया नहीं बढ़ेगा तब तक ये समाज भूखा रहेगा। कौन हर दिया? ग्राम सेवक हमारा हर दिया, पटवारी हमारा हर दिया, डॉक्टर हमारा हर दिया, इंजीनियर हमारा हर दिया, एसडीओ हमारा हर दिया, कलेक्टर एसपी हमारा हर दिया, पल सरपंच हमारा हर दिया, प्रधान प्रमुख हमारा हर दिया और मंत्री और सचिव सब हर दिए। ये हर दिया जब तक आप सही नहीं बनाओगे तब तक कोई आशा मत करना। कुछ भी कर लो, देश के आगे कोई भी दिन बजा लो, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आमंत्रित करना चाहूंगा आगे क्षतिज जी पेंदार, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। बोलूंगा और आपके लिए बोलूंगा। साथियों,
हम लोग हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं और अलग अलग आदिवासी भी हैं। कोई गोंड है, कोई भील है, कोई पावरा है, कोई माधो कोड़ी है, अलग अलग जनजाति के लोग यहां पर बैठे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सामने खड़ा है कि ये समाज एक जगह कैसे आए। मैं उदाहरण देता हूं, एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, एक हिंदू भाई अपने बच्चे के हाथ में महाभारत देता है, रामायण देता है, एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्धा हिंदी स्तंभा। ये चारों अपने बच्चों को यही बताते हैं कि बेटा ये तेरे जीने का रास्ता है। ये पूरे आदिवासियों के बच्चों ने पूछा आपसे कि मेरे लिए कौन सा ग्रंथ बना के रखे हैं आप, जो ग्रंथ हमको बता सके इस देश में हमारा वजूद क्या है, हम कौन है, हमारा मूल क्या है। आपके पास उपलब्धि नहीं है। राणा पूजा की बात की है, मैं वहां गया था, उसके परिवार का नाम भी नहीं लिखा है, उनकी मां का नाम भी नहीं है, उनके बाप का नाम भी नहीं लिखा है। यहां तक के कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई। रिपोर्ट अलग चीज होती है, जिसको गैजेट बोलते हैं। राणा प्रताप की बनाई है, ना ही हमारे पास कोई साधन है, ना ही ऐसा कोई ग्रंथ और ना ही ऐसी कोई टीम जो इसके बारे में सोचे कि समाज एक जगह कैसे आए। समाज है करके एमएलए है, समाज है करके सांसद है, समाज है करके आरक्षण है, समाज है करके मिनिस्टर है, समाज है करके इंजीनियर है, समाज है करके डॉक्टर है। आप लोगों से पूछता हूं, समाज नहीं रहता तो क्या होता? ये रिजर्वेशन किसी एक आदमी के लिए नहीं, समाज के नाम पे मिला है। इट्स अ सोशल रिजर्वेशन विच हैज बीन गिवन एंड अवार्डेड टू द ट्राइब्स। इस समाज को एक समाज मान के इसको अवार्ड किया गया है। देश में 2000 जनजातियां हैं, आदिवासियों के 45 धर्म है, 87,000 संगठन है। एक जगह कैसे लाओगे आदिवासियों को, यह प्रश्न अपने सामने सबसे बड़ा है। आपने शायद नहीं देखा होगा कि जितने असुरक्षित मजदूर हैं, इन लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस किया है और देश के 80% जो असुरक्षित मजदूर है वो आदिवासी है, फुकट में बीमा कर दिया है और मरेगा तो 60,000। यानी इस देश में आदिवासी की जान की कीमत कितनी? 60,000। आदिवासी का बच्चा अगर आपके स्कूलों में मर जाता है तो 30,000। बाप की कीमत 60,000, बच्चे की कीमत 30,000, पूरा परिवार 90,000 में समेट गया। और ईद का बकरा भी 1,00,000 रुपए का बिकता है। आदिवासी की मूल्यांकन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत 20,000, तुम्हारे समाज के आदमी की कीमत 60,000, एक किडनी भी बेचेंगे तो 4,00,000 की बिकती है। ये इंडिकेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जो आने वाले समय में मानव तस्करी होगी उसके लिए आपको किसी दूसरे के शरीर लेने की जरूरत नहीं है। आज सस्ता आदमी आदिवासी है। यहां पर हमारे मिनिस्टरों को दूसरे लोग सम्मान नहीं देते, सिर्फ समाज सम्मान देता है। दूसरे नेता हंसते हैं हमारे मिनिस्टरों को, हमारे एमएलए को हंसते हैं। एक साड़ी की 3 साड़ियां करती है आदिवासी भाई और बेटी को भी देती है, खुद भी पहनती है। एक साड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि 3 साड़ी बना सके उससे। ये हाल है समाज का। ऐसा समाज तो मैं देखा ही नहीं भाई। अरे तुमको किसी ने पूछा आदिवासियों का कब्रिस्तान है क्या? चलो अलग से जीने के लिए जगह नहीं है, तुमको तो अलग से मरने के लिए है क्या? नहीं है, ना जीने के लिए जगह है ना मरने के लिए जगह है। काय के राजा हैं आप? कौन तुमको राजा बोलेगा? क्या सोशल वैल्यू है तुम्हारे पास? क्या पॉलिटिकल वैल्यू है? अरे जिसने तुम्हारी कौम के लिए लड़ा यार, उसका नाम तक नहीं जचवा सके हम। टंटाभील के भी साथ वही हुआ, अभी भी टंटाभील का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है और इनका भी नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, शहीदों की लिस्ट में नाम नहीं है।
मालूम ही नहीं इन्होंने क्या किया। ये वो व्यक्ति है जिसने 1,75,000 एकड़ जमीन के लिए लड़ाई लड़ा। आज जो आदिवासी के पास जमीन है ना इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो जमीन है आप जाके देख लेना 400 साल पहले का इतिहास कि जमीन आपको दी गई है। महाराणा प्रताप के समय भी आदिवासियों की जमीन छीन ली गई थी। साथियों, अरे बिरसा मुंडा वो नाम है जिसने आपको कपड़े पहनाया है। महानायक टंटे वो नाम है जिसने आपको जमीन दिलाया है। जिनको पूजा आपको शायद ये राणा पूजा बोलते हैं, इनको दूसरे बेल्ट में राणा भगत भी बोलते हैं। इन्होंने जमीन दिलाई है। जब नौकरियां नहीं थी, आज से पहले आजादी के पहले नौकरियां और रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं थी, तब इंसान एक ही बात पे जिंदा रहता था, वो थी उसकी जमीन। और जमीन की लड़ाई इस देश में 70 सालों से आदिवासियों ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। ये दुनिया को बनाने वाला ऊपर वाला है। मैं पूछता हूं